अब जैसा आपको पहले भी बताया कि वाहन सुख के लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहले वाहन का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? वाहन का जो रंग है, गाड़ी का जो कलर है, वो उसकी समस्त ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल है तो वाहन में बैठ करके आप अच्छा महसूस करेंगे, नहीं तो वाहन में बैठ करके आपको चिंता और घबराहट होगी। जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल हैं, उन ग्रहों के हिसाब से ही वाहन का रंग लेना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि सामान्यतः सफेद रंग का जो वाहन है, ये सबके लिए अनुकूल होता है, सबको सूट करता है, और काले रंग का वाहन ज्यादातर लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता। तो अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा तो सफेद या क्रीम रंग का वाहन खरीदिए। और सामान्यतः मैं लोगों को सलाह ये दूंगा कि अगर आप काले रंग का वाहन खरीदने जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर अपने ग्रहों को देख करके तभी काले रंग का वाहन आपको खरीदना चाहिए। रंग के बाद वाहन में सबसे महत्वपूर्ण होता है वाहन का नंबर। कितना महत्वपूर्ण है और क्या देखना चाहिए? देखिए, वाहन का जो नंबर है आपके, ये आपके वाहन को सुरक्षित रखता है, और वाहन आपका सही काम करे इस काम में आपकी सहायता करता है। वाहन के जो अंतिम चार नंबर हैं, पूरा नंबर नहीं, जो लास्ट के चार नंबर हैं, उनका टोटल जो है, उनका योग जो है, वही वाहन का मुख्य नंबर होता है। जैसे आपके वाहन का अंतिम चार नंबर है 1, 2, 3, 4, तो इसको जोड़ेंगे तो नंबर आ जाएगा 10 और वाहन का नंबर हो जाएगा 1। ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के नंबर के साथ मेल खाना चाहिए। वाहन का जो स्वामी है उसके नंबर के साथ अगर ये मेल खाए तो वाहन बहुत बढ़िया होगा। सामान्यतः अपने वाहन का मुख्य अंक 8 रखने से बचना चाहिए। जैसे आपके वाहन के लास्ट चार अंक हो गए 6002, जोड़ेंगे आ जाएगा 8। 8 नंबर वाहन का नहीं होना चाहिए। और 6 नंबर अगर वाहन का हो, 2220 वाहन का नंबर है, 6 नंबर हो जाएगा। 6 का अंक वाहन का मुख्य अंक हो तो बहुत अच्छा होता है। 6 का नंबर शुक्र का नंबर है, और अगर वाहन का नंबर होगा तो वाहन बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। वाहन के अंतिम चार नंबरों का टोटल अगर 4 आ जाए, यानी वाहन का मुख्य नंबर अगर 4 हो, तो उसका मेल देख लेना चाहिए। 4 नंबर इतना बुरा नहीं है, लेकिन स्वामी के साथ उसका तालमेल होना चाहिए। अब आपने नंबर समझ लिया, रंग समझ लिया, अब अगर आप वाहन रखते हैं तो कुछ सावधानियों का पालन करिए। कौन सी सावधानियां हैं? वाहन को जितना संभव हो यथाशक्ति साफ सुथरा रखना चाहिए। वाहन में सामने डैशबोर्ड पर किसी देवी देवता का चित्र या कोई पवित्र प्रतीक लगाना चाहिए। वाहन में खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जूठा अगर वाहन में गिरेगा तो ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर वाहन में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह से सफाई करिएगा। वाहन में नशा करने से सख्त परहेज करिए। जो लोग वाहन में नशा करते हैं
वो याद रखें, वाहन उनका साथ कभी नहीं देगा और वाहन को लेकर के हमेशा परेशान होंगे। वाहन चलाने के पहले ईश्वर का या गुरु का स्मरण करें, या रामचरितमानस की एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई, ये तीन बार कहकर तब वाहन चलाइए, आप सुरक्षित रहेंगे। एक लाल कपड़े में तीन या पांच छुहारे बांध करके किसी भी दिन, खासतौर से मंगलवार को, अपने वाहन के डैशबोर्ड में रखिए। इससे आपका वाहन दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहेगा। वाहन के बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी हैं। दो बातें वाहन के बारे में और जरूर समझ लें। रंग इम्पॉर्टेंट है, नंबर इम्पॉर्टेंट है, और इसका तालमेल वाहन जिसके नाम से है उसके ग्रहों के साथ होना चाहिए। जब भी आप नया वाहन खरीद करके लाते हैं, सबसे पहले किसी भी हनुमान जी के मंदिर में वाहन को ले जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वाहन की पूजा करवाइएगा। स्वयं हनुमान जी की पूजा करिएगा, हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ सिंदूर, उस सिंदूर को ला करके अपने वाहन के आगे के बोनट पर उस सिंदूर से एक स्वस्तिक बना दीजिएगा। इसके बाद आप वाहन का प्रयोग करना आरंभ करिएगा। हनुमान जी को माना जाता है कि वो किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको सुरक्षित रखते हैं, आपकी यात्रा को सुखद बनाते हैं। कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो, यात्रा के दौरान परेशानी नहीं होती है। और अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई इष्ट देव हैं, तो आप उनके पास ले जाकर भी अपने वाहन को समर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा करवा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के शरीर पे जो सिंदूर लगा है, उस सिंदूर को जरूर ला करके अपने वाहन के आगे बोनट पर एक स्वस्तिक बना दीजिएगा।